हेलो स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ में मैथमेटिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी या एपी कहें, और उसकी एक्सरसाइज 5.4 हमने स्टार्ट कर ली है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके सामने है। तो एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। यदि ऊपरी और निचले डंडों के बीच की दूरी 2.5 मीटर है तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। ये आपके पास क्वेश्चन है, मैंने डायग्राम सामने एक बनाकर रखा है। ये रही वो सीढ़ी, सबसे ऊपर जो डंडा है इसकी लंबाई है 25 सेंटीमीटर और सबसे नीचे जो डंडा है उसकी लंबाई है 45 सेंटीमीटर, और दो डंडों के बीच की जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर, मतलब ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पे ये 25 होगा, फिर अगले पेयर अगले जो क्रमागत डंडे हैं उनके बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर होगी। पहले और आखिरी डंडे के बीच की दूरी 2.5 मीटर है, ये सेंटीमीटर लिखा है, ये है आपका 2.5 मीटर। अच्छा, तो हमें क्या चीज सबसे पहले यहां पर जाननी है वो है कि यहां पर कुल डंडे कितने हैं सीढ़ी में। ठीक है, कुल डंडे कितने हैं, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आपके पास पहले और आखिरी डंडे के बीच की दूरी है 2.5 मीटर, है ना। तो ये जो 2.5 मीटर है, ये 2.5 मीटर लिखा हुआ है ना, इसको हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो 2.5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम इसको 100 से क्या करेंगे गुणा। तो पहले ये जो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5/2 मीटर, फिर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। हमें ये सब सेंटीमीटर में चाहिए था इसलिए मैंने भी वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, बाकी तो सब सेंटीमीटर में ही दे रखे हमें। तो पहले और आखिरी डंडे के बीच की दूरी दे रखी है आपको 250 सेंटीमीटर। तो हमें यहां पर कुल कितने डंडे हैं वो निकालना है, तो हम लिखेंगे कुल डंडों की संख्या। अब कुल अगर डंडों की संख्या निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो पहला और आखिरी डंडा है उसके बीच जो दूरी है कितनी है 2.5 मीटर, जिसको कि मैंने सेंटीमीटर में बदल लिया, वो कितना है 250 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड कर दो आप क्रमागत डंडों के बीच की दूरी से जो कि कितना है 25 सेंटीमीटर, और एक आप साथ में जोड़ोगे। 250 को अगर 25 से भाग करें तो कितना आता है 10, और एक जोड़ दो तो हमारे पास कितना आता है 11। इसका मतलब यहां पर 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते यहां तक कुल 11 डंडे हैं। अब हमारे पास ये आता है कि हम यहां पर 1 हमने क्यों जोड़ रखा है, 1 क्यों जोड़ रखा है। तो ये समझने के लिए आपको मैं एक उदाहरण देके चलता हूं तो आपको समझ में आएगा हमने एक क्यों जोड़ा है। मान लो मेरे पास यहां पर ये हैं 5 डंडे, ठीक हो गया, ये मेरे पास यहां पर 5 डंडे हैं और इन दोनों के बीच की दूरी है 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर सारे 25 है, और मैं तुमसे कहता हूं कि यहां से यहां तक के बीच की दूरी है 100 सेंटीमीटर। पहले से अंत तक के बीच की दूरी भी मैंने दिखा दी आपको 100 सेंटीमीटर। अब मुझे अगर कुल डंडों की संख्या निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, 100 को पहले और आखिरी के बीच की दूरी को दो क्रमागत डंडों के बीच की दूरी से अगर भाग कर दूं तो मेरे पास कितना आता है 4 आ रहा है। अब यहां पर हैं कितने डंडे हमारे पास 5, तो मतलब आपको हर बार एक जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो एक कम हो जाता है, तो हमें यहां पर एक जोड़कर संख्या को कंप्लीट करना पड़ता है इस तरीके से, ठीक हो गया। तो ये हो गई हमारे पास कुल डंडों की संख्या जो कि हमारे पास कितनी आ गई 11 आ गई, ठीक हो गया। तो आपको एक चीज और है कि हमें यहां पर क्या निकालना है, इस डंडे की लंबाई को हम जोड़ना है इस डंडे की लंबाई से, हमें जोड़ना है इस डंडे की लंबाई से, ऐसे ही ऊपर वाले डंडे की लंबाई से, ऐसे ही सभी डंडों की लंबाई को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो अब वो जोड़कर हमारे पास उत्तर क्या आएगा, हमें वही उत्तर यहां पर निकालना है। कैसे निकालेंगे हम वो, तो वो देखते हैं। तो आप ये देखो, आपके पास कुल 11 डंडे हैं, पहले डंडे की लंबाई कितनी है 25, दूसरे की कितनी है पता नहीं,
ऐसा करते करते लास्ट वाले डंडे की लंबाई कितनी है, 45 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास एक समांतर श्रेणी बन चुका है। और ये कुल कितने पद हैं, 11 पद मैंने लिख लिए यहां पर, 11 पद। अब आपको बता चुका हूं कि यहां पर 11 कैसे आया हमारे पास। अब इन सबको जोड़ना है, तो हमें पता है कि n पदों के योग का हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो होता है n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 d। n क्या है हमारे पास, 11। अच्छा, पर जब मैं ये वाला फॉर्मूला इसमें लगाऊंगा तो मुझे a के साथ d भी पता होना चाहिए, जबकि हमारे पास d पता नहीं है। तो हमारे पास n पदों के योग का एक और फॉर्मूला यहां पर बनता है, वो होता है n बाय 2 a प्लस an। ये वाला फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब हमें पहला और आखिरी पद दे रखा हो, जो कि इस क्वेश्चन में ऐसा है। तो हम यहां पर सिर्फ ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाले फॉर्मूले को अप्लाई करने की यहां पर जरूरत नहीं है। तो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करूं, तो ये n पदों के योग का है फॉर्मूला ना, और हमारे पास कुल पद यहां पर कितने हैं, 11। तो 11 पदों के योग का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास S11, जिसको हम क्या लिखेंगे, 11 बाय 2। A क्या है हमारे पास यहां पर, 25। और AN मतलब आखिरी पद हमारे पास कितना है, 45। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11/2। 25 के साथ हम 45 को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास बन रहा है 70, और इसको इससे काटोगे तो बनेगा 35 बनेगा। अब हमें क्या करना है, 11 को 35 से यहाँ पर गुणा करना है, और ये हमारे पास आ जाएगा 385, कितना आएगा, सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गए कुल डंडों की लंबाई जिससे ये सब बने हैं। तो 25 के बाद जो डंडा है उसकी लंबाई को जोड़ा, फिर उसके बाद जो डंडा है उसकी लंबाई को जोड़ा, ऐसे करते करते इन सभी की लंबाई को जोड़ा तो हमारे पास ये आ गया 385। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा कंप्लीट हो गया, इसमें इतना ही फाइंड करने के लिए कहा था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, एक पंक्ति के मकानों को क्रमगत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान है कि x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। x का मान ज्ञात करें। अच्छा, ये आपके इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो डायग्राम है वो मैंने दिखा दिया। ये पहला मकान, दूसरा, तीसरा, ऐसे करते करते ये मकान है x। अब ये मकान 30 हो सकता है, 31, 32, 40, कुछ भी हो सकता है। इससे पहले वाला जो मकान है उसकी संख्या x-1 होगी, इसके बाद वाले मकान की संख्या होगी x+1, और जो लास्ट वाला मकान है उसकी संख्या होगी 49। देखा जाए तो यहां पर आपके पास एक AP बन रहा है कुछ इस तरीके से, 1+2+3+x-1+x+x+1, और ऐसे करते करते लास्ट में 48+49, कुछ इस तरह का AP बन रहा है ना। तो ये जो AP बन रहा है, इसका जो प्रथम पद होगा वो आपका 1 होगा, और D आपका क्या होगा, 1 होगा। ये तो हमें पता है, बाद में यूज करेंगे तो हम यहीं से पिकअप कर लेंगे। तो हमारे पास ये जो संख्या दे रखी है इसके बारे में कुछ कहा है, वो क्या कहा है, जो मकान जिसको X संख्या दे रखा है ना, तो इसके इससे पहले जितने भी मकान हैं उनकी संख्याओं का योग, मतलब इन सबको जोड़ो, वो बराबर होगा X के बाद आने वाले जितने मकान हैं उनकी संख्याओं के योग के, ऐसा कहा है आपसे। अच्छा, x से पहले जो कुल मकानों की संख्या है वो कितनी है, x-1, क्योंकि स्टार्ट 1 से हो रहा तो हमें पता है, तो यहां पर कुल मकानों की संख्या कितनी है, x-1। अच्छा, x के बाद कुल कितने मकान हैं वो हमें पता नहीं है, ये प्रॉब्लम है यहां पर, है ना। यहां तो है पता है, तो अगर यहां से यहां तक देखा जाए और 1+2+3 up to अगर x-1 तक जोड़ू तो वो बनता है सम ऑफ x-1 टर्म्स, मतलब x-1 पदों के योग बनेगा 1 से लेकर x-1 तक। इसका नहीं कह सकते क्योंकि हमें यहां पता ही नहीं है कुल कितने पद हैं। तो अगर इसका निकालना है तो आपको ये पता है ना, अगर मैं यहां से यहां तक को जोड़ दूं, मतलब 1 से लेकर अगर मैं 49 तक को जोड़ दूं और उसको माइनस कर दूं इतने हिस्से से, मतलब ये वाला हिस्से को मैं घटा दूं इस पूरे हिस्से से, तो आपके पास ये वाला हिस्सा बच जाएगा। यहां से लेकर यहां तक कुल है आपके पास S49,
इन सभी का योग कितना है S49, और यहां से लेकर यहां तक कितना है आपके पास x पदों का योग SX, इन दोनों को माइनस कर दो तो यहां से लेकर यहां तक की संख्याओं का योग आ जाएगा जो कि ये है S49 माइनस SX। यहां से लेकर यहां तक की संख्याओं का योग आएगा SX माइनस 1 और यहां से लेकर यहां तक की संख्याओं का योग आएगा S49 माइनस SX आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन के हिसाब से ये दोनों योग एक दूसरे के क्या हैं बराबर, यही क्वेश्चन में हमें कहा है। ठीक है, मतलब SX माइनस 1 इक्वल होगा S49 माइनस SX। मैं आपको बता चुका हूं यहां पर जो AP बन रही थी वो ऐसे बन रही थी, तो हर AP में जो पहला पद होगा वो 1 ही होगा और सार्वंतर भी कितना होगा 1 होगा। अब जरा यहां पर चीज देखें, हम यहां पर जो फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं वो n पदों के योग का फॉर्मूला है, वो होगा n/2 a+ an, क्योंकि हर AP में चाहे SX माइनस 1 का हो या S49 का हो या SX का हो, हर किसी में हमें पहला पद और अंतिम पद पता है, इसीलिए ये वाला फॉर्मूला लगाना हमारे लिए ज्यादा आसान है। डायरेक्टली हम इसको अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। पहले तो क्या लिखने के लिए कहा है आपसे, हमें कहा है SX माइनस 1 ये योग बराबर है उसके, ये क्वेश्चन की डिमांड है, ऐसा कहा है उन्होंने। अब जरा SN का अगर ये फॉर्मूला होता है तो SX माइनस 1 का फॉर्मूला क्या होगा, डिट्टो यही होगा, बस आपको N को रिप्लेस करना है X माइनस 1 से, तो हमारे पास बन जाएगा X माइनस 1 ओवर 2, क्या लिखा है A+ an ना। अच्छा जरा गौर करें, यहां पर तो चलो SX माइनस 1 है तो X माइनस 1 यहां पर रख लिया, यहां रख लिया A, क्योंकि मैं इसका कर रहा हूं तो इसमें A क्या है 1, जो कि मैं आपको पहले से बता चुका हूं 1 लिखा, प्लस AN, और AN मतलब होता है क्योंकि ये SX माइनस 1 यहां से लेकर यहां तक के पदों का योग है, तो इसमें अंतिम पद क्या है X माइनस 1, तो AN की जगह हम क्या रखेंगे X माइनस 1। तो ये हमने SX माइनस 1 का फॉर्मूला डाल दिया, ऐसे ही इसके लिए भी करेंगे। S49 का क्या होगा, ये होगा 49 ओवर 2 A+ an, जब लिख रहे हैं हम S49 इसका मतलब 1 से लेकर 49 तक के पदों का योग, तो 1 पहली संख्या है 49 लास्ट संख्या है, तो A की जगह हम लिखेंगे 1 और AN की जगह लिखेंगे हम 49, ये हो गया। माइनस ऐसे ही हम SX के लिए करेंगे, तो SX का फॉर्मूला होगा X/2, फॉर्मूला क्या है हमारे पास A+ an ना, तो SX है X पदों का योग, तो 1 से लेकर X तक के पदों के योग को ही हम बोलेंगे SX। तो X पदों के योग में पहला पद है X, अंतिम पद क्या है पहला पद है 1, अंतिम पद क्या है X, तो A की जगह आ जाएगा 1 और AN की जगह क्या आ जाएगा X। अब कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली इसको सॉल्व करना है और देखते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है। अच्छा यहां पर तो 1-1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास जरा देखें, सिर्फ x बचा और x माइनस 1, तो ये बचा x माइनस 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई x इक्वल टू, ये है 49 ओवर 2 मल्टीप्लाई 49 प्लस 1 कितना हो गया 50, ये क्या है आपके पास, ये है x प्लस 1 x ओवर 2। अब हमें सिर्फ सॉल्व करना है, मैं इसको यहां पर शिफ्ट करता हूं और सिंप्लीफाई करता हूं, तो इस वाली टर्म को मैं यहां पर शिफ्ट करता हूं, तो मेरे पास बनेगा x माइनस 1 ओवर 2, ये माइनस में है तो यहां आकर प्लस हो जाएगा x प्लस 1 x ओवर 2 इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो जाएगा 25 से, 225 से 50 होता है, तो हमारे पास क्या बचा 49 मल्टीप्लाई 25, चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, मैं मल्टीप्लाई करूंगा नहीं। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, X/2 कॉमन आएगा यहां से, तो अगर मैं X/2 कॉमन निकाल लूं, देखो ये X/2 आ रहा है यहां से कॉमन, तो यहां क्या बचा X-1 प्लस ये क्या बचा X+1 इक्वल टू, ये हमने इसको एज इट इज लिख दिया 49 मल्टीप्लाई 25, लास्ट स्टेप रह गया है,
अब सॉल्व करना हमारे लिए आसान है यहां पर, ये देखो कैसे करेंगे, ये है माइनस वन और ये है वन, कैंसिल हो गए दोनों, x प्लस एक्स कितना हो गया 2x, तो ये है x बाय टू मल्टीप्लाई एक्स प्लस एक्स हो गया आपका 2x, और दूसरी तरफ क्या है 49 मल्टीप्लाई 24, ठीक है। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x को x से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है हमारा x स्क्वायर, और दूसरी तरफ क्या है 49 मल्टीप्लाई 25। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, मतलब वर्गमूल, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट अगर ले लें तो ये भी स्क्वायर रूट ले लिया मैंने, यहां पर भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट या वर्गमूल बोल सकते हो, आपको पता है स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो क्या बचा हमारे पास x बचा, 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, अब 7 को अगर 5 से गुणा कर दो कितना आ रहा है हमारा 35, इसका मतलब है x का मान हमारे पास कितना है 35, जो आपको इस क्वेश्चन में निकालने के लिए कहा था। अब हमारे पास रह गया क्वेश्चन नंबर 5।